हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के सिंगल वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वर्डप्रेस सिखाने वाला हूं। आप सभी को पता है कि वर्डप्रेस एक कमाल का प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू हम किसी भी तरह का वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये जो हमारा रेफरेंस वेबसाइट है, हम कुछ इस टाइप का वेबसाइट बना के सिखाने वाले हैं आपको, जो कि बिल्कुल फ्री थीम होगा और कोई भी पेड थीम का इसमें यूज़ नहीं करेंगे, और आपको सिंगल लाइन ऑफ कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखते हो तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप भी वर्डप्रेस में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो जैसे कि ये रेफरेंस वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हो कुछ हेडर का सेक्शन इस टाइप का, जिसमें सोशल मीडिया आइकन है, इधर कुछ है, यहाँ पे लोगो, और ये रहा होम, अबाउट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, टीम, और ये मेनू सेक्शन कहलाता है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का भी बटन दिया हुआ है। तो साइड में आएंगे तो ये लोगो है हमारा, और ये हमारा हीरो सेक्शन जो कि अभी स्लाइडर के रूप में, तो ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके नीचे आएंगे तो अबाउट अस का सेक्शन है, और यहाँ पे कुछ ये जो आवर क्लाइंट्स है, हमने क्या क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है वो है, और पीछे ये जो देखते हो ये है पैरेलेक्स इमेज, ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। और गाइस, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये एक रेफरेंस वेबसाइट है, ये कोई मतलब हमारा कोई वेबसाइट नहीं है, ये रेफरेंस है। इसके थ्रू डिप्टो हम सेम वेबसाइट बना के आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आवर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स है, जो कि आप सपोज एक एजेंसी का वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन रहता है, जो कि इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। उसके बाद आवर टीम, एंड देन ये टेस्टिमोनियल सेक्शन, उसके नीचे ब्लॉग का कुछ रहेगा, और नीचे सीधा आएंगे तो फुटर सेक्शन। तो सेम वेबसाइट बनाने के लिए मैं सबसे पहले चलता हूँ हमारे वर्डप्रेस में, लॉग इन करता हूँ। तो गाइस, एक फ्री डोमेन एंड होस्टिंग है, जो कि मैंने इन्फिनिटी फ्री से ले रखा हूँ। अगर आप भी चाहते हो फ्री में होस्टिंग लेना अपने वर्डप्रेस सीखने के पर्पज से, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इन्फिनिटी फ्री के साथ जा सकते हो। अगर आपको सीखना है कि कैसे इसमें यूज़ करना है, कैसे डोमेन होस्टिंग लेना है, तो आप हमारे चैनल के लिंक में जाके, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। मैंने कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा था कि कैसे आप इन्फिनिटी फ्री से होस्टिंग और डोमेन परचेस मतलब फ्री में ले सकते हैं, और अपने वर्डप्रेस को लाइव कर सकेंगे। गाइस, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा, इसमें आप कोई लाइव प्रोजेक्ट करेंगे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक वगैरह नहीं आता है। सिर्फ आप लर्निंग पर्पस के लिए लेते हैं तो आप इसमें अपना वेबसाइट लाइव करके कंप्लीट सीख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ, तो गाइस ये हमारा वेबसाइट लॉग इन हो रहा है। तो जैसे लॉग इन होता है, ये आप देख सकेंगे कि आप डैशबोर्ड में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर मैं चाहता तो मैं जैम सर्वर का भी यूज़ कर पाता, लेकिन वो काफ़ी स्लो मेरे लैपटॉप में परफॉर्मेंस है उसका, तो मैंने सोचा कि ना लाइव पे कर लिया जाए। तो सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो तो कुछ नहीं है, पूरा एकदम खाली वेबसाइट है। तो सबसे पहले मैं एक थीम इंस्टॉल करूँगा, तो जो थीम रहेगा वो एक्स्ट्रा थीम रहेगा, वो काफ़ी यूजफुल थीम है और एकदम फ्री थीम है। फ्री में इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बता रखा था कि मैं कंप्लीट फ्री प्लगइन्स एंड थीम का यूज़ करके आपको वेबसाइट बना के मैं दिखाऊंगा, और आने वाले दिनों में मैं थीम पे भी, पेड थीम पे भी काम करके आपको दिखाऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फटाफट ये इंस्टॉल हो रहा है, होने देते हैं। और अगर गाइस, अगर आप HTML CSS का ट्रिक्स एंड टिप्स जानना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़े रहना, इसमें कई सारे शॉर्ट्स हैं जिनके थ्रू आपको थोड़ा बहुत HTML CSS की जानकारी हो जाएगा, और आने वाले दिनों में मैं HTML CSS के थ्रू भी कंप्लीट वेबसाइट बना के सिखाऊंगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो ऐसे देख सकते हो हमारा थीम एक्टिवेट भी हो चुका है। अब थोड़ा मैं हमारे साइट में जाके विजिट करके देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे आएंगे देख सकते हो, अभी सिंपल सा वेबसाइट है, इसमें कुछ सेटिंग करेंगे, सेम डिज़ाइन, सेम इस टाइप का डिज़ाइन मैं कुछ आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो जाएंगे थीम्स में, और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करना होता है। सबसे पहले परमा लिंक्स का सेटिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपको पोस्ट नेम जो दिखेगा उसको सिलेक्ट करना, करने के बाद उसको करेंगे शेप चेंजेस, और देन जाएंगे हम प्लगइन्स सेक्शन में। प्लगइन्स एक एड ऑन होता है वेबसाइट पर, इसके थ्रू वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखो तो बाय डिफॉल्ट दो प्लगइन इंस्टॉल है, तो मैं दोनों को करता हूँ डिलीट, क्योंकि ये कोई यूज़ नहीं है इनका।
और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बना के सिखाऊंगा कि कैसे क्या बनता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऐड न्यू प्लगइन्स का सेक्शन है इसको करेंगे क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्लगइन्स सर्च करना होगा आपको, एलिमेंटर जो कि फ्री प्लगइन्स है, इसका पेड वर्जन भी आता है, उसमें काफ़ी कुछ एडवांस फीचर है। तो हमें एज ए बिगिनर हमें फ्री से ही स्टार्ट करना होगा एलिमेंटर। ये देख सकते हो गाइस कुछ ऐसा है, इसका डाउनलोड देख सकते हो, 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो फाइनली गाइस देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको करेंगे सिंपली एक्टिवेट। और एक्टिवेट करने के बाद हम जाएंगे पेज क्रिएट करेंगे, सबसे पहले ये देख सकते हो एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट में जाएंगे, बाय डिफॉल्ट कुछ पोस्ट रहता है तो उसको करेंगे डिलीट, क्योंकि ये हमारे कोई काम का नहीं है। डिलीट करने के बाद अब आएंगे पेजेस में। तो पेजेस में आने के बाद तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट दो पेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं दोनों को कर देता हूँ डिलीट। एक सिंपली यहाँ पे ट्रांस पे क्लिक करेंगे और ये प्राइवेसी पॉलिसी को मैं डिलीट नहीं करूँगा, ये ड्राफ्ट में पड़ा है तो ड्राफ्ट पड़ा रहने देते हैं, बाद में अगर यूज होगा तो मैं इसको जरूर यूज करूंगा। तो यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले पेज क्रिएट करेंगे, जो हमारा पहला पेज रहेगा वही हमारा होम पेज रहेगा। तो मैं एड न्यू पेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली होम नेम से आपका पेज क्रिएट करना होगा, तो मैं पब्लिश कर देता हूँ उसको। तो गाइज फाइनली देख रहे हो पेज हमारा क्रिएट हो चुका है जो कि होम पेज के नाम से है। उसके बाद कुछ सेटिंग करेंगे, तो यहाँ पे जाने के बाद मैं जाऊँगा रीडिंग सेक्शन में, सेटिंग के अंदर रीडिंग में जाएंगे, फिर यहाँ पे स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे होम पेज को हमें होम पे सिलेक्ट करना होगा, देन शेप चेंजेस। और उसके बाद एक और सेटिंग करेंगे, पहले इसको सेव होने देते हैं, तो ये सेव हो चुका है। उसके बाद जाएंगे जर्नल सेटिंग में, जर्नल सेटिंग में जाने के बाद ये जो माय ब्लॉग है यहाँ पे आप देख सकते हो, माय ब्लॉग चैनल का जो टाइटल है उसको हम चेंज करेंगे, मैं डेमो एजेंसी के नाम से लिख देता हूँ, क्योंकि मैं ये एजेंसी का वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, जिस वजह से डेमो एजेंसी लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट एजेंसी, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, बेस्ट एजेंसी इन इंडिया सपोज लिख दिया। यहाँ पे URL वगैरह आप देख सकते हो, उसको छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं। तो शेप चेंजेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये भी शेप हो जाएगा। उसके बाद ये देखना साइट टाइटल वगैरह कुछ चेंज हो चुका है सब कुछ, जो जो हमने सेट किया था, यहाँ पे डेमो एजेंसी के नाम से आएगा। तो गाइज देख सकते हो ये हमारा पेजेस का सेक्शन है, यहाँ पे होम पेज दिखता है, इसको हम एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे ये एलिमेंटर का एडिटर ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पे हम एडिटिंग करेंगे। तो ये हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग का स्टेप है, यहाँ पे हम कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन करेंगे। तो अभी तक आपको वर्डप्रेस सेटअप करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, अगर कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है डिजाइनिंग वाला पार्ट। तो डिजाइनिंग में ये एक स्लाइडर देख सकते हो, तो स्लाइडर नहीं अभी हम बेसिक एक सिंगल इमेज लेके बनाएंगे, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको स्लाइडर भी बनाना सिखाऊंगा। तो सिंपल इसी को मैं सपोज इस फोटो को लेके मैं डिजाइनिंग करना स्टार्ट करूंगा, स्टैटिक पेज रहेगा, अभी स्लाइडर इसमें नहीं डालेंगे, स्लाइडर आने वाले वीडियो में डालूंगा। तो सपोज मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, तो इमेज डाउनलोड करने के लिए मैं इमेज डाउनलोडर जो कि एक क्रोम का एक एक्सटेंशन है जिसके थ्रू मैं इमेज डाउनलोड करता हूँ, अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हो, जिसका नाम मैं बता दिया, इमेज डाउनलोडर के नाम से एक्सटेंशन है। तो जैसे ये डाउनलोड होता है हम जाएंगे एलिमेंटर के एडिटर पे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, सेक्शन ले लेंगे ब्लॉक टाइप का, जैसे कि आप HTML CSS का यूज़ करेंगे तो उसमें आप डिप के नाम से जानते हैं, तो ये कुछ टाइप का वही होता है। तो इसको सबसे पहले फुल बिट दे देंगे, क्योंकि जो हमारा रेफरेंस है वो भी फुल बिट है, देख सकते हो पूरा कोई गैप वगैरह नहीं है। तो जैसे यहाँ पे जाते हैं इसको फुल बिट देने के बाद इसके बैकग्राउंड में डालेंगे इमेज, जो इमेज हमने डाउनलोड किया था। तो इमेज बैकग्राउंड में देने के लिए सबसे पहले जाना होगा स्टाइल में, स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, तो बैकग्राउंड टाइप में आपको क्लासिक पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे चूज इमेज का ऑप्शन आता है, तो जैसे चूज इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा और जो डाउनलोड किया था वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं आएगा, मीडिया लाइब्रेरी में लाने के लिए यहाँ पे आपको अपलोड फाइल पे जाना होगा, यहाँ से सिलेक्ट फाइल करना होता है, देन जाके आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ये आपके मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएगा। तो मीडिया लाइब्रेरी से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे,
तो जैसे ये सिलेक्ट हो जाता है तो अब इसको पोजीशनिंग वगैरह सेट करना होगा। तो इमेज रेजोल्यूशन फुल रहता है, पोजीशन को हम सेंटर सेंटर कर लेंगे, अटैचमेंट को भी डिफॉल्ट रहने देते हैं, कोई इशू नहीं होगा, रिपीट को नो रिपीट करेंगे एंड डिस्प्ले साइज को कवर कर देंगे जिससे इमेज पोजिशन में आ जाएगा। तो अब इमेज हमारा बैकग्राउंड में आ गया, अब हमें कुछ इस टाइप का बनाना है। तो इसमें देखिए ऊपर से भी कुछ गैप है, नीचे से भी कुछ गैप है, तो सबसे पहले हम उसको गैप देने के लिए हम यूज़ करेंगे एलिमेंटर का एक सेक्शन स्पेसर का। तो स्पेसर ऊपर से दे देंगे, इसको मैं सपोज करता हूँ 250, देन इसको डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद अभी नीचे भी आ जाएगा। अब हमें ये कुछ जो है वो लिखना होगा, तो क्या क्या लिखा है मैं एक बार देख लेता हूँ। वी क्राफ्ट डिजिटल एक्सपीरियंसेस एंड कुछ हेडिंग भी लिखा हुआ है जो कि अनाउंसमेंट होता है किसी एजेंसी का। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले मैं एक हेडिंग सेक्शन लूंगा, नहीं, सबसे पहले मैं लूंगा इनर सेक्शन, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। तो सपोज इनर सेक्शन लूंगा तो ये देख सकते हो गैप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो कि रेफरेंस में भी देख सकते हो हमारा गैप यहाँ से स्टार्ट है, तो लेने में ज़्यादा ईजी रहेगा। तो वो लेने के बाद अब इसके अंदर मैं लूंगा हेडिंग, अब हेडिंग लूंगा। तो हेडिंग लेने के बाद ये देख सकते हो डिफॉल्ट कलर आ रहा है, नहीं तो बाई डिफॉल्ट ये कुछ ब्लू टाइप का आता है। तो वो करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एलिमेंटर जैसे रहेगा, यहाँ पे 3 लाइन पड़ी है, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ये साइड सेटिंग पे आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे आप साइड सेटिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका कलर का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट वेबसाइट का कलर है, जैसे ये ग्लोबल कलर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर पाएंगे आपको जिस टाइप का भी ग्लोबल कलर चाहिए। मैंने ब्लू मतलब येलोइश टाइप का रखा हूँ ऑरेंज कलर, क्योंकि हमारे रेफरेंस वेबसाइट में भी ऑरेंज कलर का यूज हुआ है, तो मैं रेफरेंस को लेकर चलूंगा, डिट्टो ऐसा बना के आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे अभी डिफॉल्ट कलर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे वाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। तो वाइट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे आप ग्लोबल आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप थीम कलर 5 मिल जाएगा जो कि वाइट है। अब हेडिंग मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है, वी क्राफ्ट डिजिटल एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, मैं भी अपने अकॉर्डिंग लिखूंगा, नहीं तो दूसरा को, इसमें कोई वैसे कोई रीजन नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ कि क्रिएट ऑसम वेबसाइट्स वेबसाइट, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे एक और सेक्शन है, वो क्या है एक बार देख लेता हूँ। तो ये है डिजिटल ड्राइवन फॉर प्रोफेशनल, तो उसके लिए भी हम एक और हेडिंग का यूज़ करेंगे। तो उसके नीचे हाँ हो गया, उसका भी कलर बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट कलर है, तो मैं उसको भी रेड कर देता हूँ, रेड बोलो सॉरी वाइट कर देता हूँ, 1 मिनट, 3 कलर 5। अब इसका जो टाइटल है वो यहाँ से चेंज करना होगा, हम लिखते हैं डिजिटल डिजिटल सर्विसेस फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो साइज है थोड़ा काफी ज्यादा बड़ा है और उसके ऊपर का साइज काफी छोटा है, तो हम उसको सेट करते हैं। तो इसको सेट करने के लिए आपको जाना होगा स्टाइल में, स्टाइल के अंदर ये टाइप वगैरह से लिखा है, टाइप वगैरह से फिर से आप टेक्स्ट का कंप्लीट चीजें चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 65, काफी ज्यादा बड़ा है, तो मैं काम करता हूँ इसको मैं इधर थोड़ा कर देता हूँ। अब मैं रेफरेंस थोड़ा देख लेता हूँ, प्रोफेशनल डिटो सेम लग रहा है, देख सकते हो डिजिटल ड्राइवन फॉर प्रोफेशनल, हमने भी सेम लगभग वही लिख दिया, डिजिटल सर्विसेज फॉर प्रोफेशनल्स। तो इतना काफ़ी है, इमेज टेक्स्ट क्लियर नहीं दिख रहा है, तो टेक्स्ट क्लियर दिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो इमेज है उसके बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट दे देंगे, ओवरले इफेक्ट। तो वो देने के लिए आपको आना होगा बैकग्राउंड ओवरले पर। तो जैसे बैकग्राउंड ओवरले पर आएंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप क्लासिक चूज करेंगे, यहाँ से आप कलर लेंगे, तो मैं वाइट कलर लूंगा, सॉरी ब्लैक कलर, ताकि टेक्स्ट थोड़ा चमकीला दिखने लगे। तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा इस टाइप का, जैसे टेक्स्ट क्लियर विजिबल है और कोई यूजर को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। थोड़ा कम कर देता हूँ, सॉरी यार, चलो इतना काफी है, अब थोड़ा ठीक दिख रहा है ना। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे इसको छोटा करेंगे क्योंकि रेफरेंस वेबसाइट में छोटा है। तो इसको करने के लिए सपोज क्या कर रहा हूँ भाई, सपोज इसको मैं
20 कर देता हूँ, 20 ठीक रहेगा आई थिंक। ओके 20 सही है। अब इसको ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो मैं इसको 200 200 दे देता हूँ, ऊपर से 200 नीचे से 200 है ना। तो अब कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो गाइस इतना तो बन गया, इसके बाद हम चलते हैं रेफरेंस। तो गाइस रेफरेंस में देखें तो दो बटन दिया हुआ है नीचे, गेट स्टार्टेड और आवर वर्क का, और हम जो बना रहे हैं उसमें हम भी बटन लगाना चाहते हैं तो हमें एलिमेंटर में आना पड़ेगा। उसके बाद ये बटन सेक्शन है उसको आपको खींचना है, अब यहाँ पे ला के आपको पेस्ट कर देना। तो देख सकते हो लगभग सेम टू सेम बन चुका है बटन, तो कुछ टेक्स्ट वगैरह चेंज कर देंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो टेक्स्ट में क्या है, गेट स्टार्टेड का गेट स्टार्टेड, तो ये बटन बन चुका है हमारा। अब इसको कुछ स्टाइलिंग वगैरह देना चाहेंगे तो यहाँ पे जाएंगे स्टाइल पे। अब इसके टाइपोग्राफी को थोड़ा बड़ा करेंगे, मैं करीब 15 दे देता हूँ और इसको मैं 400 जो कि नॉर्मल इसका वेट वेट है वो दे देता हूँ, और उसके बाद बस इतना ही। अब जाएंगे एडवांस में, एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर सॉरी बॉर्डर पे जाएंगे। बॉर्डर में जाने के बाद मैं बॉर्डर इसको दूंगा सॉलिड 1 पिक्सल का, सॉलिड 1 पिक्सल वाइट देंगे, यस वाइट थोड़ा बेटर रहेगा, 1 पिक्सल वाइट दे देंगे तो कुछ इस टाइप का जाएगा। और बॉर्डर रेडियस भी देंगे थोड़ा, तो बॉर्डर रेडियस में 5 पिक्सल का चारों से दे दूंगा तो ये थोड़ा राउंडेड शेप आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा बटन है वो गेट आवर वर्क्स का, तो आवर वर्क्स में जाने के लिए तो उसको क्रिएट करने के लिए हम इसको करेंगे डुप्लीकेट। तो जैसे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो वो दूसरा बटन भी बन जाएगा। तो दूसरा बटन दोनों इनलाइन नहीं आ रहा है तो मैं इसको एक प्रॉपर्टी दूंगा इनलाइन प्रॉपर्टी, तो जैसे इनलाइन प्रॉपर्टी दूंगा ये दोनों इनलाइन में अलाइन हो जाएंगे। तो ये इनलाइन ऑटो दिया हुआ है तो जिसको क्लिक करेंगे वो अपना इनलाइन हो गया। अब दूसरे बटन को इसके बगल में लाने के लिए इसको भी इनलाइन देना होगा ताकि दोनों आपस में इनलाइन हो जाए। तो वो देने के लिए आप बिट में जाएंगे, इनलाइन ऑटो कर देंगे तो दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो उसको कम करने के लिए मैं दूसरे वाले को दूंगा लेफ्ट से 20 पिक्सल का मार्जिन। तो आप लोग देख सकते हो जैसे मैं आवर वर्क पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये होवर पर वाइट हो रहा है और टेक्स्ट ब्लैक हो रहा है, तो वहाँ सेम इसी में भी देंगे। तो उसको देने के लिए हम जाना होगा स्टाइल में, स्टाइल में बाई डिफॉल्ट कलर क्या रहेगा, बाई डिफॉल्ट कलर रहेगा ट्रांसपेरेंट और इसके होवर में वाइट होगा। तो होवर में वाइट करने के लिए ये होवर का सेक्शन दिख रहा है तो इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले टेक्स्ट कलर को करना होगा ब्लैक, क्योंकि बाइट में ब्लैक टेक्स्ट रहेगा तभी दिखेगा। और बैकग्राउंड कलर में देंगे, जैसे होवर होगा तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसको वाइट, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा देख सकते हो। सॉरी अभी ये अच्छा होवर पे बॉर्डर कलर सॉरी हमें बॉर्डर कलर नहीं देना था तो इसको हटा देंगे यहाँ से, हमें देना था बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड में जाने के बाद कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको वाइट सेट कर देंगे, तो जैसे होगा तो जैसे होवर करेंगे ये वाइट हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप का है। और इसका जो टेक्स्ट हमें चेंज करना था वो चेंज करना था आवर वर्क के नाम से, आवर के वर्क्स, चलो हो गया इतना। तो अब इसको अपडेट करने के बाद हम इसको लाइव में देखेंगे कैसा दिखता है हमारा वेबसाइट। तो हमारा वेबसाइट जैसे हम रिफ्रेश मारेंगे तो ये आ जाएगा। तो गाइस देख सकते हो हमारा हीरो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट जो है वो हमारा अबाउट अस का सेक्शन है, तो इसको फटाफट से बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए दो सेक्शन चाहिए होगा, तो इसमें एक इमेज है और ये तीनों भी इमेज है, तो मैं इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन के थ्रू सबको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये पहला, दूसरा एंड देन तीसरा, उसके बाद जो बगल का इमेज है उसको भी क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस इतना हो चुका है, तो हम जाएंगे यहाँ पर सेम प्रोसेस, सबसे पहले एक आउटर सेक्शन, इसको ऊपर से कुछ मार्जिन लेंगे, ऊपर से नीचे से सपोज मैं 50 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ। अच्छा तो मार्जिन लेने के बाद अब यहाँ पे हम सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो इसमें देखिए तो दो इनर सेक्शन है, एक डिप इधर एक डिप इधर। अब इसको डिप के थ्रू भी समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे, तो मैं दो डिप इसमें दे देता हूँ। तो डिप देने के लिए 9 डॉट पर क्लिक करना होगा और जो इनर सेक्शन है उसे आप खींच के यहाँ पर ले आए तो आपका डिप बन जाएगा। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो हमें दो सेक्शन चाहिए, तो एक ये रहा एक ये रहा, तो ये हम यूज़ करेंगे आइकन बॉक्स के थ्रू।
हाँ सॉरी, ये इमेज है तो इमेज बॉक्स यूज करेंगे, अगर आइकन होता तो आइकन बॉक्स यूज करते, तो इमेज बॉक्स है तो इमेज बॉक्स के थ्रू ये बनाएंगे और ये वाला सिंपल इमेज डाल देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो आ रहा है तो आपको जाना होगा 9 डॉट पे। 9 डॉट पे जाने के बाद यहाँ से आप इमेज दिख रहा है उसको आप ले आएंगे यहाँ पर। यहाँ पे जैसे इमेज ला देंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको क्लिक करना है और जो अपलोड फाइल करना है, क्योंकि अभी मीडिया में नहीं होगा क्योंकि हमने अपलोड नहीं किया, तो इन सबको सेलेक्ट करके मैं अपलोड कर देता हूँ एक साथ। सॉरी, तो गाइस सेलेक्ट करने के बाद इसको करेंगे ओपन। तो जैसे ओपन करेंगे ये हमारा मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगा। तो जैसे अपलोड होता है हमें चाहिए ये वाला इमेज, तो इसको क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, जो कि काफ़ी परफेक्ट लग रहा है, काइंड ऑफ सिमिलर लग रहा है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हम जाते हैं इमेज इमेज बॉक्स के थ्रू इस सेक्शन को बनाने, जो कि ये रहा डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड बिजनेस मार्केटिंग का। तो जो कि 3 इमेज बॉक्स रहेगा, तो तीनों को वन बाई वन ला के आपको दिखाता हूँ। तो इमेज बॉक्स लाने के लिए आप सिंपली सर्च भी कर सकते हो, आप चाहे तो ऐसे एक्सप्लोर करके भी ला सकते हो, मैं सर्च कर लेता हूँ ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये इमेज बॉक्स है, वो लाने के लिए एक ये अब इसको मैं सेट कर लूँगा, बाकी को कॉपी पेस्ट मारूंगा तो काम हमारा ईजी हो जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग मैं कॉपी कर लेता हूँ, माउस थोड़ा कम काम होता है, तो डिजिटल मार्केटिंग कॉपी कर लिया। तो यहाँ आने के बाद हम हेडिंग में जाएंगे, तो सेम हेडिंग हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल भी एंड देन अगला क्या है हमारा कुछ डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो इसको कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल भी, कंट्रोल ए कंट्रोल भी, तो ये देख सकते हो इस टाइप का बन गया। तो अब हमें चाहिए कुछ 1 मिनट, तो स्टाइल में जाने के बाद इसको हम करेंगे ऐसा। तो ऐसा करने से आप कुछ ऐसा दिख पाएंगे, तो ये आपका बन चुका है। अब हमें सिंपली इमेज सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो इमेज में जाने के बाद अब मीडिया लाइब्रेरी में ये वाला आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस टाइप का, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई दे रहा है। तो इतना बनने के बाद मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट, बाकी स्टाइलिंग वगैरह आप अगर चाहें तो कर पाए कर लेना अपने हिसाब से। तो मैं अभी जल्दी जल्दी बना के आपको दिखा देता हूँ कैसे आप बना पाएंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद वर्टिकल अलाइन इसको कर देंगे मिडल में, बड़ा छोटा अपने हिसाब से देख लेना। और मैं सपोज इस पर क्लिक करूँगा इमेज पे सॉरी, क्योंकि ये तो चेंज रहेगा, मैं दूसरा वाला चेंज करना। दूसरा वाला चेंज करने के लिए इसके इमेज में जाना है और इमेज यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। तो दूसरा इमेज कौन सा है, तो दूसरा इमेज ये रहा ईमेल मार्केटिंग का। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा ईमेल मार्केटिंग पे क्लिक करूँगा देन इसको अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा। अब बारी है तीसरे वाले का, तो तीसरे वाले का भी सेम प्रोसेस, इसमें जाऊँगा और ये वाला है इसको क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा तो ये आ जाएगा। तो अब टाइटल वगैरह भी चेंज कर लेते हैं फटाफट। तो ईमेल मार्केटिंग सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में बिजनेस मार्केटिंग, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल बी, कंट्रोल ए कंट्रोल बी। अब लास्ट वाला क्या है, बिजनेस मार्केटिंग, तो उसको भी कंट्रोल सी, थर्ड वाले में जाके कंट्रोल ए कंट्रोल बी। आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, देखिए तो कैसे इतना इजी है एलिमेंटर से काम करना। तो ऐसा सेक्शन हमारा बन चुका है, फटाफट मैं इसको लाइव कर देता हूँ, नहीं तो अपडेट कर देता हूँ, नहीं तो नेटवर्क इशू भी कराने का, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ तो सारा काम बर्बाद। इससे बढ़िया मैं लाइव कर लेता हूँ और लाइव में देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है। तो गाइस लाइव में कुछ इस टाइप का दिखेगा, तो जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर दिख रहा है, सेम वेबसाइट हमारा ऐसा है। आप चाहे तो इसमें स्टाइलिंग वगैरह कर पाएंगे, थोड़ा गैप वगैरह देंगे, फोन छोटा बड़ा करेंगे तो डिफ्ट अच्छा दिखने लगेगा। तो इतना हमारा बन चुका है, अब इस वाले सेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पैरेलल इमेज लगाऊंगा जिससे आपका वेबसाइट काफ़ी कूल दिखेगा। तो पैरेलल लगाने के लिए हम जाएंगे इसमें सेम प्रोसेस। तो गाइस अभी हमारा रेफरेंस वेबसाइट जो है तो वो फुल विड्थ में है, तो मैं भी फुल विड्थ में इसको रखूंगा। उसके बाद इसके अंदर इनर सेक्शन आएगा, जो कि इसमें 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मैं इनर सेक्शन लाता हूँ, इनर सेक्शन इसको कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी एंड देन इसमें हम पेस्ट करेंगे क्या, मैं काउंटर, काउंटर आपको ऐसे लगाना होगा। तो काउंटर मैं सपोज सर्च ही कर लेता हूँ, तो उतना फालतू का टाइम वेस्ट करना, तो मैं काउंटर ये रहा काउंटर, तो इसको मैं खींच के यहाँ पे लाता हूँ। तो जैसे खींच के लाऊंगा तो गाइस ये देख सकते हो आपका कंप्लीटली वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट में 90K+ हैप्पी तो मिस है ठीक। तो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ
एंड देन यहाँ पे स्टार्टिंग में आप यहाँ से भी कर सकते हो प्रीफिक्स सफिक्स तो मैं के प्लस जो कि सफिक्स है हमारा तो कितने का है 90 के का आपका रहेगा। तो ये रहा कुछ और टाइटल में क्या था उसको हम कंट्रोल भी कर देंगे। तो हैप्पी क्लाइंट्स 90 के हैप्पी क्लाइंट्स है हमारा तो उसको बाइट करना होगा बाद में जब बैकग्राउंड चलो लगे हाँ तो बैकग्राउंड भी लगा लेता हूँ। तो बैकग्राउंड यहाँ से जाना है आपको बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड जाने के लिए वही स्टाइल में जाना होगा। स्टाइल में जाने के बाद बैकग्राउंड टाइप में आपको सिलेक्ट क्या करना होगा इमेज जो कि पैरेलेक्स इफेक्ट के रूप में आपको सेलेक्ट करना है तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। उसको जैसे क्लिक करेंगे तो उसको कर लेते सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद हम उसको पोजीशन को अगर सेंटर सेंटर रहने देंगे कोई सुनिए अटैचमेंट को फिक्स कर देंगे तो ये हमारा पैरेलेक्स इफेक्ट बन जाएगा। देख सकते हैं इतना आसान है। तो इतना करने के बाद हम अटैचमेंट को फिक्स कर दिए, रिपीट को नो रिपीट और इमेज साइज को डिस्प्ले साइज को कवर कर देंगे जिससे ये कंप्लीट आपका आ जाए। तो इतना करने के बाद अब बैकग्राउंड ओवरले देंगे थोड़ा ताकि वेबसाइट थोड़ा कूल लगे। तो वो देने के लिए बैकग्राउंड टाइप में जाना है। कलर में जाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लैक स्टैक कर लेंगे, चलिए इतना काफी है डन। एंड देन यहाँ पे आने के बाद अब हमारा जो टाइटल बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो टाइटल दिखने के लिए टाइटल का कलर चेंज करना हो तो मैं टाइटल पे जाने के बाद इसका कलर कर देता हूँ व्हाइट जिससे आपका टाइटल कंप्लीटली दिखे। सॉरी तो हमारा टाइटल नीचे रहेगा तो टाइटल यहाँ से कलर और यहाँ से इसको कर देंगे व्हाइट कलर। तो देख सकते हो गाइस सिमिलर काइंड ऑफ बन चुका है। तो इतना काफी है। देन इसको करेंगे कॉपी डुप्लीकेट, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसको करेंगे डुप्लीकेट वन एंड टू एंड थ्री। तो ये चार बार कॉपी करेंगे तो हमारा चार सेक्शन डिलीट हो जाएगा। तो इसको करेंगे डिलीट। तो अब कुछ इस टाइप का बन गया। अब यहाँ से आप नंबर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं सकते हो जो आप कुछ भी। तो फटाफट मैं कर देता हूँ यहाँ पे 45 ठीक एम है मीडियम शिफ्ट एम ठीक लाइन ऑफ कोड लाइन ऑफ कोड्स कोड्स अगला 190 डाउनलोड्स रहेंगे तो बाकी आप अपने को भी चेंज कर लेना। काफी छोटा दिख रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए बोलने चल चीज है स्पेसर स्पेसर आ जा रही है एक इसको कहते हैं कितना 115 ही 100 ही काफी रहेगा। इसको करेंगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के बाद इसको खींच के आ गया यार आ गया। तो ऐसा अब इसको देने के अपडेट तो हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे सॉरी ये हमारा ये रहा तो इसको देंगे रिफ्रेश तो ये देख सकते हो हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है जब ये रहा काफ़ी कूल दिख रहा है ना, काफ़ी कूल दिख रहा है। तो इसके बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क करेंगे ताकि ये थोड़ा और मस्त दिखे। तो बैकग्राउंड में इमेज में जाने के बाद पोजीशन हम इसको कर देंगे टॉप सेंटर करेंगे तो उसका चेहरा दिखने लगेगा है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए अब कंट्रोल से रिफ्रेश मारते हैं रिफ्रेश तो इतना कुछ दिख रहा है ज़्यादा कूल लग रहा है। चलिए ठीक है थोड़ा और बेहतर दिखने के लिए ओवरले कलर को थोड़ा और डार्क करेंगे।
पूरा ब्लैक नहीं करना है। चलिए इतना काफी है, अब करते हैं अपडेट। तो ये अपडेट हो चुका है हमारा, तीन सेक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है, ये और ये। अब उसके बाद अगला कौन सा है, अगला आवर सर्विसेज है। तो आवर सर्विसेज अभी बना देते हैं। तो आवर सर्विसेज में देख लेते हो कैसा सेक्शन है, यहाँ पे एक दो तीन, नीचे तीन, और इसमें हेडिंग और टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। तो इसको कर लेते कॉपी कंट्रोल सी के थ्रू। अब इसमें जाएंगे, अब क्रिएट करेंगे हमारा अगला सेक्शन। तो अगला सेक्शन हमारा रहेगा उसके फुल विड्थ, फुल विड्थ नहीं, नॉर्मल विड्थ रहेगा। तो अब यहाँ तक आने के बाद इसको ऊपर से देंगे हाइट, नीचे से देंगे मार्जिन, टॉप देंगे 50 50 एंड बॉटम 50। एंड देन इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन है ना। तो उसको देने के लिए सबसे पहले ऊपर इसके अंदर लेंगे इनर सेक्शन, सॉरी गाइस, इनर सेक्शन, ठीक। तो इसको तीन में कन्वर्ट करना होगा, एक और डुप्लीकेट इसको मारते हैं, डुप्लीकेट एंड 1 मिनट, 30 30 40। इसको देंगे 30, लेआउट में जाना है, इसको 30 देंगे ताकि बीच में जो रहेगा उसका कंप्लीट पोजीशन आ सके। तो बीच वाले को देंगे 40 और साइड वाले को भी देंगे 30, ताकि वो थर्ड बीच वाला जो रहे वो सेंटर अलाइंड है कंप्लीटली। और अब इसमें टाइटल देना होगा, टाइटल ये रहा आवर सर्विसेज कंट्रोल भी, इसको करेंगे सेंटर अलाइन। अब इसका टेस्ट करेंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, इसको देंगे 15 पिक्सल, 15, और विड्थ में इसको देंगे लाइट मीडियम कर देते हैं, सपोज नॉर्मल कर देते हैं। अब नॉर्मल करने के बाद यहाँ पे व्हाट वी डू जो कि एक और टाइटल है, कंट्रोल सी मारेंगे, यानी के बाद इसको करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद इसका कंट्रोल ए कंट्रोल बी कर देंगे। अब इसको 1 मिनट, इसको हम कलर में जाके इसको कर देंगे ब्लैक, ब्लैक। टाइपोग्राफी में जाके इसके टाइटल को कर देंगे ज़्यादा, सपोज 35। अब इसको विड्थ, वेट इसका देंगे बोल्ड, काफ़ी कुछ इस टाइप का दिखेगा है ना। तो इतना आने के बाद अब जो डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन कंट्रोल सी के थ्रू कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसके अंदर डालने के बाद हम क्या करेंगे भैया, इसमें जाएंगे सेंटर लाइन करेंगे, इसमें जाएंगे इसके कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल बी मारेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप का। तो इसको मैं थोड़ा और 25 कर देता हूँ, 25, इसको भी कर देता हूँ 25, परफेक्ट। अब काफी सही है, तो इसके अंदर इनर सेक्शन एक और लेने के बाद वो भी तीन तीन का था, तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे, तो ये भी तीन तीन का बन जाएगा। और इसको सपोज क्या है, आइकन बॉक्स, तो इन आइकनों को मैं फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने का सेम तरीका, यहाँ पे ये वाला एंड देन ये वाला, तो तीनों हमें चाहिए, तो तीनों को कर लेते डाउनलोड। 1 वर्जन इसको डाउनलोड कर लिया। तो अब ये हमारा सर्विसेज है, डिजिटल मार्केटिंग, लोगो डिजाइनिंग एंड बिजनेस कंसल्टिंग। तो बारी बारी से सबको करते हैं। तो वहाँ सेम प्रोसेस अपना, इमेज बॉक्स, इमेज बॉक्स, तो उसको खींच के लाएंगे पहला, खींच के लाएंगे दूसरा इमेज बॉक्स,
दूसरा ये रहा, एंड देन तीसरा इमेज बॉक्स, तीसरा ये रहा। तो तीनों बन चुका है, अब बारी बारी इसका इमेज वगैरह चेंज करना है। तो इमेज अपलोड लगाने के लिए पहले जो हमने डाउनलोड किया था उसको हम कर देंगे अपलोड मीडिया फाइल्स में। तो मीडिया फाइल्स में यहाँ आने के बाद ओपन करेंगे, तो जैसे ओपन करेंगे ये हमारा अपलोड हो चुका है। तो मैं हमें पहला वाला ये वाला चाहिए, तो इसको कर देंगे क्लिक एंड ये हो जाएगा यहाँ पर। अब हेडिंग इसका चेंज करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा है हमारा लोगो डिजाइनिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे लोगो डिजाइनिंग। तो यहाँ पे जाने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद इसका टाइटल चेंज कर देंगे, टाइटल चेंज करेंगे लोगो डिजाइनिंग का, लोगो डिजाइनिंग का। तो ये बन चुका है लोगो डिजाइनिंग का। अब तीसरा वाला जो रहेगा उसको हम देंगे, तीसरा वाला क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ, ये है आपका बिजनेस कंसल्टिंग का। तो बिजनेस कंसल्टिंग का इमेज भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ जाने के बाद यहाँ से बिजनेस कंसल्टिंग के लिए ये वाला इमेज सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसका टाइटल चेंज कर देंगे, टाइटल बिजनेस कंसल्टिंग। तो ये हमारा बन गया बिजनेस कंसल्टिंग। और डिस्क्रिप्शन मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप अगर चाहें तो आप। तो गाइस लगभग हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, इसमें तीन का है तो मैं इसको भी डुप्लीकेट करूंगा, तीन का हमारा बन चुका है तो इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, तो ये भी बन जाएगा सिक्स। तो जैसे कि उसमें है सेम इसी में भी है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर से मार्जिन दे देता हूँ, ओनली ओनली ऊपर से देना है, मैं देता हूँ इसको 20 पिक्सल का। तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, तो इसको मैं अपडेट करता हूँ। ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको लाइव में जाके देखने पर ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, जो कि ये देख सकते हो लगभग आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अगर हाइट वेट या फिर टेक्स्ट टाइटल का अगर कलर फॉन्ट वगैरह अगर चेंज करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिख जाएगा। बैकग्राउंड में कलर आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना जैसे आपको सही लगता है, और टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह आप यहाँ से देख के आप लगा सकते हो। तो ये वाला सेक्शन भी कम्प्लीट हो चुका है, एंड ये वाला हमारा आवर वर्क्स वो वर्क्स का सेक्शन एंड टीम्स का सेक्शन, और ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन, और ये रहा ब्लॉग का सेक्शन। ब्लॉग इसमें हम डालेंगे नहीं, अगले किसी वीडियो में दिखा देंगे। और रह रहा है फूटर और हेडर का, फूटर हेडर और आवर प्रोजेक्ट और आवर टीम का सेक्शन रह रहा है। तो इसको मैं किसी अगले वीडियो में ला के आपको मैं दिखा दूंगा, ये पार्ट बाई पार्ट बनेगा, तो आपको समझ में भी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं एक साथ आपको सिखा दूंगा तो आप भी कुछ सीख नहीं पाएंगे और मेरा सिखाने का भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इससे बढ़िया मैं इसको पार्ट बाई पार्ट में कन्वर्ट करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो आज आप इस वीडियो में जितना भी सीखा उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहे, तो प्रैक्टिस करने से ही आप सीख जाएंगे। और इसमें अगर अभी तक का अगर कोई भी आपको डाउट रह रहा है आपके मन में, तो आप कमेंट जरूर करना, कमेंट कर रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसका जो अगला पार्ट आएगा वो मैं नेक्स्ट डे में ही आपको लाके मैं लाइव करा दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और नहीं आई होंगी तो एक बार कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।